वापस आने का शुक्रिया. लेट्स कंटिन्यू. मैं आपसे पूछना चाहूँगी, असगर साहब ने अभी बात की मीडिया के की आज़ादी, उसके फ्रीडम के हवाले से कि ये मिसयूज़ भी बहुत हो रहा है. आपने तो बहुत एक अरसा देखा है शुरू के अंदर, जब एक ही चैनल होता था इधर, तो आज आपकी नज़र में डू यू थिंक मिसयूज़ ही हो रहा है? इस प्लेटफॉर्म को पॉजिटिवली भी ख़वातीन के लिए यूज़ किया जा रहा है? मैं शायद उस विरासत से हूँ कि मुझे आधा खाली कभी नज़र नहीं आता, मुझे हमेशा आधा भरा हुआ ही नज़र आता है. लेकिन ये है, हमने वो अमूमन आम लोग कहते हैं कि जो भी अपना ज़माना याद करता है वो मुग़लों का ज़माना, फलाना ज़माना, हमारा भी एक ज़माना था. तो हमें जो अपने ज़माने याद आते हैं वो ठीक है. असगर भी इस बात को बैक करेंगे, इतनी बंदिशें थीं, सामने बैठे हुए लोग, इतनी बंदिशें थीं कि बोलने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि एक चैनल था, गवर्नमेंट का चैनल था. और लेकिन कमाल ये होता है पानी की तरह कि आप उसको पानी को डाल दें, वो खुद अपना रास्ता तलाश करता है. और ये सब जो ख़वातीन सामने आज बैठी हैं, ये इस बात की मेरे ख्याल में गवाही देंगी कि इन्हें किस किस तरह मैंने इनको रोक रोक के लेकिन कहलवा सब कुछ दिया था. हाँ, ये ज़रूर बात है कि हमारे ज़माने अच्छे थे, लेकिन हमने फिर भी पाबंदियों में गुजारे और उन पाबंदियों में बहुत कुछ काम कर लिया. आजकल के मीडिया से मैं सेटिस्फाइड हूँ कि नहीं, सेटिस्फाइड इसलिए हूँ कि बहुत कुछ करने को है और कुछ नहीं, चैनल ही बदलते रहो, 1, 2, 3, 4, 100 तक जाओ, फिर तो शुरू करो गिनती. वो बड़ा मज़ा आता उस ज़माने, तो 1, 2 दैट्स ऑल. लेकिन ये बात ज़रूर है कि एक तो ये कि सेमनेस ऑफ स्टाइल्स, सेमनेस ऑफ टॉपिक्स, सेमनेस ऑफ वे ऑफ प्रोड्यूसिंग प्रोग्राम्स, उसकी वजह से मैं समझती हूँ जो मेरी यहाँ बच्चियाँ बैठी हैं या जो सुन रही हैं, वो जो तजस्सुस था, वो जो एक ख्वाहिश थी ज़्यादा जानने की, वो नहीं आ रही है, क्योंकि वो एक तरह से एक ही तरह की चीज़ें चल पड़ती हैं. बैठे में असगर मुझे डांटे ना, अगर दूसरी शादी का ड्रामा है तो हर चैनल पे दूसरी शादी का ड्रामा है, अगर एक बीवी किसी, सो एक तरह से सेमनेस चल पड़ती है और उसकी वजह से ये चैनल्स जो हैं कंपटीशन में मारे जाते हैं. तो उनकी जो तजस्सुस, तो आपको क्या लगता है कि आज के मीडिया के अंदर एक मुसन्निफ को कितनी आज़ादी है कि वो अपनी सोच को ताबीर की बहुत ज़्यादा आज़ादी है? ये तो मसला है, क्यों? तो फिर ये सेमनेस ऑफ कन्फॉर्मिटी, बहुत आज़ादी है और आज़ादी दे, हमने तो उस वक्त लिखा जब आज़ादी उस तरह से नहीं होती. लेकिन मेरा तजर्बा यह है कि उस वक्त भी लिखने वाला आज़ादी ले सकता था, अगर उसको लिखने का ढंग आता है, अगर उसको बात पहुंचाने का ढंग आता है तो वो उसमें से रास्ता निकाल लेता. हमारे मिंटो साहब, हमारे बेदी, हमारे जितने शॉर्ट स्टोरी राइटर्स हैं, कितने मुश्किल वक्तों में उन्होंने शॉर्ट स्टोरीज लिखी होंगी, मुकदमे भी चले, लेकिन उन्होंने बात करने का ढंग निकाला. तो बात करने का ढंग निकाला जाता है, बाकी रह गई बात दूसरी शादी के ड्रामों की या आपका, दोनों का एक ही सवाल है. उसके लिए मेरा जो परसेप्शन है वो ज़रा सा सुन लीजिए, वो ये है कि बदकिस्मती से ये देखिए कि जब ये इल्ज़ाम लगता था कि औरत को ग्लैमराइज दिखाया जा रहा है, औरत के को इस तरह से दिखाया जा रहा है, उस वक्त भी कराची टीवी में लिखने वाली ख्वातीन होती थी, हमारी मोहतरम है वो सारी, तो उस वक्त वो लिख रही हूँ. इस वक्त कराची में डजन्स ऑफ राइटर्स ख्वातीन आ चुकी हैं, इट्स अच्छी बात है, आई वेलकम, मैं उस हवाले से नहीं कह रहा. इस वक्त तमाम चैनल्स पे ख्वातीन राइटर्स के ड्रामे चल रहे हैं, विच इज़ गुड, अच्छी बात है. लेकिन अब अगर आपको ये महसूस हो कि वहाँ सिर्फ शादियाँ और तलाकें हो रही हैं, तो भाई उसमें मर्द इन्वॉल्व नहीं है. मगर अगर बिल्कुल आप ये, मैं चैलेंज से कहता हूँ, आप मॉनिटर करें, तमाम ड्रामे ख्वातीन के लिखे हुए चल रहे हैं, सिवाय मुश्किल से कोई एक आध जगह मैं आपको कहीं नजर आ जाऊंगा या कोई एक आध और नजर आ जाएगा, बस. बाकी सब जगह ख्वातीन लिख रही हैं, अच्छा है, लिखें, उस सीखें, उसमें से निकलें, लेकिन वो यही काम कर रही हैं जो सास बहू वाली आपकी बात. तो फिर बात तो वही होगी जिस तरह इनने कहा कि जिस तरह अभी भी हम हेडलाइंस देखते हैं, अखबार के अंदर चीज़ें छपती हैं कि अपने गुनाहों का बोझ कूड़े के ढेर पे फेंक के अपने आशना के साथ भाग गई और ये हो गया. वो हमेशा अपने आशना के साथ भागती, आशना उसके साथ कभी नहीं भागता. ये बैठे हैं इसी बात के ऊपर, हमेशा इनकी मेरी बहस होती थी. हाँ, ये हमारी अक्सर मेरी और इनकी बहुत बहस होती थी. तो फिर हुआ क्या, तब्दीली कहाँ आई है? तब्दीली ये आई है कि जहन खुल गए, कम से कम देखें, आउट ऑफ कंफ्यूजन, आउट ऑफ क्योस विल कम रीजनिंग, आउट ऑफ क्योस विल कम ऑर्डर. ये दुनिया की एक असूल है, कन्फ्यूजन होगी उसमें से कहीं ना कहीं से ऑर्डर निकलेगा. मेरा ये ईमान है, जो मैंने शुरू में भी कहा था, मेरा ये दावा है कि कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन में से एक ना एक उम्मीद की किरण आती है. सब अब इस वक्त पाकिस्तान के माहौल में
कुछ लोगों को बहुत डर लग रहा है, बहुत अंधेरा नज़र आ रहा है और बहुत महसूस हो रहा है कि शायद सुबह नहीं होगी। ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है, लेकिन इसके बाद इससे बेहतर सवेरा आएगा। ये एक तरह से साइकिल चलेगी, कम से कम मेरा ईमान है, मैं इतने साल से जिंदा ना रहूं, लेकिन ये आएगा ज़रूर मेरे ख्याल में। तो इसी वजह से ये जो इस वक्त मीडिया में कन्फ्यूजन है, बहुत चैनल्स हैं, सेमनेस है, बोरिंग है, सेम फेसेस हैं, इधर देखो तो सिर पर दुपट्टा, उधर देखो तो बुढ़ी माई, उधर जाहिर है क्योंकि हमारा थोड़ा सा खुदान भी है आर्टिस्ट का, तो वो अपनी जगह है, लेकिन उसमें से कहीं ना कहीं अगर आप मेहर अच्छा काम करेंगी, आपकी नज़र वहाँ टिकेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका कोई अच्छा प्रोग्राम चल रहा हो और आप उसको कहें नहीं नहीं ये नहीं, हम दूसरा कुछ और देख लेंगे। आप खुद ब खुद वो आपको क्वालिटी जो है वो आपको खींच के आपके अपने हाथ। ये तो आप दोनों ने इस साइड ऑफ द स्टोरी बता दी, अब उनकी तरफ से बताइए कि एज यंग वुमेन जो टेलीविजन देखती हैं, अपने इश्यूज, अपने मसाइल को उजागर होते हुए देखती हैं, साथ नाइंसाफी की बातें भी देखती हैं और बहुत चीज़ें जो एक इंसान को एक अपसेट कर सकती हैं, ये क्या कर सकते हैं एज ऑडियंस, इनके कितने राइट्स? पहले आप बता लें। एक बात करना चाहूँगा कि अभी मैं एक ज्यूरी में था जो बड़ी प्रेस्टीजियस अवार्ड ज्यूरी थी पाकिस्तान, उसमें एक प्ले की हमें आई रेटिंग कि जी ये बहुत रेटिंग में बहुत आगे गया है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, और जनाब ये बड़ा पॉपुलर रहा है औरतों। इत्तेफाक से मैंने उस प्ले को थारोली मॉनिटर किया हुआ था, अगर ना किया होता तो वो मुझसे, मैं कहता जी ये अवार्ड है इसका, मैंने स्ट्रांगली, मेरी ज्यूरी में तीन खवातीन बैठी थी, मैंने स्ट्रांगली प्रोटेस्ट किया कि इसको चलाएं पूरे का पूरा और आप देखें इसमें एक औरत पे थ्रू आउट जुल्म दिखाया गया है और वो सहती रही है। मैंने कहा मैं इसको ऑनियर ना जाने देता, इस तरह मैं इसको प्रमोट नहीं करना चाहता। ये जो लड़कियां देख रही हैं, जो औरतें घरों में देख रही हैं, वो ये सबक लें कि हाँ जी सहना चाहिए, क्योंकि वो कमा के आ रहा है, क्योंकि वो ये है, क्योंकि वो है। मैंने कहा उसको जिस दिन वो पहले एपिसोड में खड़ी हो जाती वो होती रोल मॉडल मेरा, तो मैंने कहा मैं इसको नहीं दूंगा और वो नहीं दिया। तो इनके सवाल का मैं जवाब दे रहा हूं कि जनाब आप हैं जज,